हेलो दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन है वो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हैदराबाद के बीच में चलने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है दोस्तों ब्यूटीफुल सिटी नाम के एक यूट्यूबर ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से तेलंगाना के हैदराबाद डेकन नामपल्ली तक चलने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12701। दोस्तों, हुसैन सागर एक्सप्रेस के अगर ट्रेवल टाइम की हम बात करें तो यह ट्रेन मुंबई सीएसटी से हैदराबाद के बीच के डिस्टेंस 788 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है 14 घंटे और 20 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी एवरेज स्पीड होती है लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है साउथ सेंट्रल रेलवे और दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते के सातों दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन रोजाना मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और लोनावला, पुणे, सोलापुर जैसे स्टेशनों पर ठहरती हुई दूसरे दिन यह हैदराबाद में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के सीएसटी से हैदराबाद के बीच में करीबन 16 स्टेशन हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। दोस्तों, हुसैन सागर एक्सप्रेस के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में आईसीएफ श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें एसी टू टायर के कोच लगते हैं और जिसका मुंबई सीएसटी से हैदराबाद तक का किराया रहता है 1610 रुपये। इस ट्रेन में एसी थ्री टायर के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 1130 रुपये। इस किराए में दोस्तों जीएसटी, सुपरफास्ट और रिजर्वेशन चार्ज शामिल रहता है। इनके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 425 रुपये और इसमें सामान्य क्लास के कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 229 रुपये। यह जो किराया बताया गया है दोस्तों, यह मुंबई सीएसटी से हैदराबाद तक का है, परंतु फिर भी इस किराए में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इस किराए को एक बार आप रेलवे की वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में दोस्तों आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। इस ट्रेन में दोस्तों आपको एकमात्र सुविधा ऑन बोर्ड केटरिंग की ही मिलेगी। इस ट्रेन को मुंबई सीएसटी से हैदराबाद तक कल्याण लोको शेड के WDP 4D या WDM 3D या WDM 3A या WDZ 4, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस हुसैन सागर एक्सप्रेस के सभी स्टेशनों और उनके टाइम टेबल को हम देख लेते हैं। दोस्तों, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हैदराबाद के डेकन नामपल्ली तक चलने वाली हुसैन सागर एक्सप्रेस रोजाना रात 9:50 पर मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रवाना होती है। और दोस्तों, मुंबई सीएसटी से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है कल्याण जंक्शन। रात के 10:37 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 3 मिनट रुकने के बाद रात के 10:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है करजत जंक्शन रात के 11:22 पर और करीबन 3 मिनट रुकने के बाद रात के 11:25 पर यह ट्रेन करजत जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यह स्टेशन दोस्तों इस ट्रेन का एक टेक्निकल हॉल्ट है और यहां पर इस ट्रेन के पीछे एक बैंकर अटैच होता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है लोनावला रात के 12:01 पर और 12:03 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यह स्टेशन भी दोस्तों इस ट्रेन का एक टेक्निकल हॉल्ट है और यहाँ पर इस ट्रेन के पीछे लगा बैंकर भी अटैच होता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है पुणे जंक्शन रात के 1:20 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद रात के 1:25 पर यह ट्रेन पुणे जंक्शन से रवाना हो जाती है। पुणे जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 190 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कुरुडुवाड़ी जंक्शन दूसरी सुबह 4:13 पर और 4:15 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सोलापुर सुबह के 5:40 पर और 5:45 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गानगापुर रोड सुबह के 6:48 पर और 6:50 पर यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है कलबुर्गी जंक्शन
सुबह के 7:17 पर और 7:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है शाहबाद सुबह के 7:41 पर और 7:42 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है वाडी जंक्शन सुबह के 8:35 पर और सुबह के 8:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। दोस्तों यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 601 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है चीतापुर सुबह के 8:59 पर और 9 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मलखेड़ रोड सुबह के 9:09 पर और 9:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है सेडम सुबह के 9:19 पर और 9:20 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है तांडूर सुबह के 9:44 पर और 1 मिनट रुकने के बाद 9:45 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है विकाराबाद जंक्शन सुबह के 10:30 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 10:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है बेगमपेट सुबह के 11:25 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद सुबह के 11:27 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है हैदराबाद का डेकन नामपल्ली सुबह के 12:10 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 788 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों इस ट्रेन के साथ में 17031/2 मुंबई CST से हैदराबाद तक चलने वाली मेल एक्सप्रेस के रेक भी शेयरिंग होते हैं। तो दोस्तों ये थी मुंबई CST से हैदराबाद तक चलने वाली हुसैन सागर सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।